हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो ये टाइम है रात का 7 बजे, 7:30 बजे इसकी बीच के टाइम होगा। मैं सबक साथ ही ऊपर आती हूँ, तो आते ही जो मैं कपड़ों का लोड लगा के गई थी वो मैंने निकाला और इसको सूखने डाल दूँगी। सबसे पहला ये ही मेरा अब शाम को उठ के काम होता है, क्योंकि 1-2 दिन के कपड़े इकट्ठे करके धोती हूँ और ऋत्वी की यूनिफॉर्म्स वगैरह हो जाएँ फिर ही धोती हूँ। थोड़ा ईजी भी हो जाता है, सेमी ऑटोमेटिक में तभी डालती हूँ जब कलरफुल कपड़े हों, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ, क्योंकि पूरा दिन में भाग दौड़ इतनी होती है कि मतलब टाइम ही नहीं लगता है ना। तो करवा चौथ की सेल बहुत अच्छी हो गई आप लोगों की कृपा से, दुकान बहुत अच्छे से चली, बहुत खुश हूँ। मम्मा पापा चले गए, थोड़ा सा मन उदास हुआ था, लेकिन शॉप पे ना रौनक लगी हुई थी। कस्टमर्स का आंदक जांदक कहते हैं ना, वो लगी हुई थी तो इतना फील नहीं हुआ, बट रात को फील होगा क्योंकि पिछले कल मम्मा साथ थी तो थोड़ा खुश थे हम दोनों। हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। हाँ जी, हाँ, चला लो और डोर बंद कर लो अपना। सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। के ये कैसे हैं आप, आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं या नहीं किया है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीनाक्षी बहल, तो जरूर फॉलो करें, जरूर मतलब वहां पे मेरे साथ शेयर करें अपनी पिक्चर्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और बस रात हो गई है, 7:30 का टाइम है और हम अभी ऊपर आए हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद जो भी मेरे कस्टमर्स मेरे यूट्यूब चैनल को देख के या मेरे इंस्टाग्राम से मेरे शॉप पे आए हैं। बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने, बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी दिया मुझे, थैंक यू। अभी आके मैंने आलू बॉयल के लिए चढ़ाए हैं, बहुत काम है मुझे, कपड़े धोके गई थी, वो लोड जो है निकाला, उनको अब मैंने सूखने के लिए डाल दिया है और काम बहुत ज्यादा हो गया था। सब्जियां अब आई हैं, भैया देके गए हैं, उन्हें सेटवेट करूंगी। और सुबह के लिए कल, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मानते हैं कि कटिंग वटिंग नहीं करते हैं तो फिर कौन करेगा, इसलिए मैं अभी शाम को कटिंग वटिंग करके सोच रही हूँ ग्रेवी वगैरह बना के फिर, क्योंकि कल भी शॉप ओपन रहेगी। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि दीदी प्लीज 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 हमें लेना है, हमें लेना है, तो मैं सोच रही हूँ डिसाइड करके जो भी टाइमिंग होगी वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बस चलिए चलते हैं, साथ साथ सुबह की तैयारियां करते हैं और आपको बताती हूँ मैं किस तरह से एक रात पहले तैयारियां करती हूँ ताकि सुबह मैं सारा वक्त डेडिकेट कर सकूं अपने करवा चौथ को। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। मैं आज ना आज ही रात को ग्रेवी बना के रख रही हूँ ताकि जब सुबह करवा चौथ, जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम मैं सरगी खा के हटी हूँ तो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह 4:30-5 का टाइम है और ये पिछले कल रात की वीडियो है। मैंने रात को ही सब्जियों के लिए ग्रेवी वगैरह प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हमारे इधर ऐसे कहते हैं कि करवा चौथ के दिन कटिंग नहीं करनी, चॉपिंग वगैरह नहीं करनी, चाकू नहीं चलाना, सुई नहीं चलानी, पता नहीं क्यों कहते हैं लेकिन मैंने सुना है। तो फिर मम्मा ने सुजेस्ट किया कि तू शाम को ही ग्रेवी वगैरह बना के रेडी करके रख लेना। एज सच हमारा कोई सात्विक खाना नहीं होता है, कई लोग ऐसा होते हैं ना कि जो भी त्यौहार पे व्रत पे खाना बनाते हैं उसमें लहसुन अदरक प्याज, मोस्टली कई लोग नहीं, मोस्टली ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, हमारे घर में नहीं होता है। हम लोग शुरू से ऐसे ही मतलब खाना खाते हैं पूरा लहसुन अदरक डाल के, चाहे पूजा हो। तो मैंने भी ग्रेवी रेडी कर ली यहाँ पे, बहुत अच्छे से ग्रेवी रेडी होगी। और साथ में रात के खाने के लिए चावल हमने नहीं खाए थे आज पूरा दिन, और हरित्वी का मन था कि मम्मा मुझे ना काजू वाले राइस बना के दो, वो फ्राइड राइस खाती है जिसमें काजू डाला जाता है, तो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे तो मैंने सोचा चलो कि मैं आलू जो है वो अब बना लेती हूँ, फिर सुबह के लिए भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर करवा चौथ पर एक आध चपाती खानी होती है सुबह, तो आलू की सब्ज़ी के साथ मेरे अंदर चली जाती है, अदरवाइज़ मेरे सुबह सुबह कुछ भी अंदर नहीं जाता है तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मैंने सारी ग्रेवी निकाल के जो है वो रख ली है एक साइड पे, थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रहने दी, इसी में मैं जो बॉयल आलू किए हैं उनको कट करके अपनी सब्जी बना लूँगी। सिंपल ग्रेवी बनाई थी तेल में, सरसों के कच्ची खनी के तेल में मैंने हींग जीरा राई डाल के, उसके बाद उसमें प्याज थोड़ा सा भुना, लहसुन अदरक भुना और उसके बाद टमाटर भुना, उसमें हल्दी डाली थी और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक भी नहीं डाला था गाइज मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वैसे तो ये 1-2 दिन ही चलेगी, मुझे ये था कि सुबह मुझे चॉपिंग का काम ना करना पड़े, और करवा चौथ को वैसे ही तैयारियाँ बहुत होती हैं और मेरा ऐसा होता है कि मैं सारा दिन ही बिज़ी रहती हूँ, शॉप पर भी जाना है और फिर
आजकल चोचले भी बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों के खुद के ही बढ़ाए हुए चोचले, तो वक्त कम मिलता है। तो जो भी प्रिपरेशन हो रही थी वो करनी है, क्योंकि हरित्वी को भी छुट्टी और बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हरित्वी ऐसा बच्चा है, उसे पैम्परिज्म की बहुत ज़रूरत है, उसे ये हो जाता है कि मम्मा तो अपने में ही बिज़ी हो गई, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो दैट्स वाई जितना काम रात को हो सके मैं उतना काम रात को करके ही सोती हूँ। जैसे पूरी कल जो ड्रेस डालूंगी उसे आयरन करके सोना, अपनी चीज़ों को रख के सोना, है ना, एक जगह पे सुबह होच पोछ ना हो, जल्दी मिल जाएं, क्योंकि फिर शॉप पे भी जाना है, शॉप से आके फिर पूजा के लिए रेडी होना, खाना बनाना अकेले बंदे के लिए बहुत टफ हो जाता है। दैट्स वाई जितनी भी मेरे से मतलब हो सकता है ना प्रिपरेशन, वो मैं पहले ही करके सोती हूँ। और इस टाइम पे मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया था, फ्रिज साफ कर ली थी, जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल ली, सारे बर्तन धो लिए, सेल्फ क्लीन हो गई, गैस स्टोव क्लीन हो गया, ताकि जब सुबह उठूँगी तो आराम से सफाई होगी तो अपनी सर्गी जो है फटाफट से रेडी करके खा लूँगी। आप लोग भी बताइएगा, आपके घर पे भी एक अलग अलग तरीका होगा, है ना, हर एक का ये तरीका जो है वो काम करने का वो अलग होता है। तो इस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मे बी मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि मैं सुबह सुबह कर रही हूँ और सुबह सुबह इतना बोलने को दिल भी नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो अगर वॉइस ओवर में आपको आवाज़ कम लग होगी तो सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन होता है ना कि मैं आपके साथ करवा चौथ के दिन स्पेशली अपने ब्लॉग्स 2-3 शेयर करती हूँ कैसे क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार भी करूँ, क्योंकि फिर जो मेरे पुरानी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है वो मिस करेगी कि दीदी ने कुछ शेयर ही नहीं किया। सारा काम हो गया, गैस धुल धुल आ गई, डस्टबिन खाली किया, डस्टबिन धो लूँगी, सिंक साफ कर लूँगी, हम लेडीज़ का ऐसा ही होता है ना। और मेहंदी मेरी सारी उतर गई, उतरी नहीं है मतलब फीकी पड़ गई है, अब काम ही इतना था तो फीकी पड़नी है वो, यार वो तो चोचले होते हैं ना, मम्मियों वाले मायके वाले होते हैं, अगर हमने हाथ पे मेहंदी लगा ली तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, है ना, काम तो यार करना ही पड़ता है, और बिना काम के तो वैसे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हम किसी की। मैं मुझे कल आंटी बोल रहे थे कि मीनू तू बर्तन छोड़ देना, मैं 3-4 बजे आके सारे बर्तन कर लूँगी, लेकिन मीनू बर्तन छोड़ नहीं सकती, मेरे से होता ही नहीं है ऐसा कि मैं किचन में बर्तन छोड़ दूँ, नहीं, किचन में गंदा बर्तन छोड़ के मैं दिन में नहीं रह सकती, रात में तो क्या रहूंगी। तो सारा यहाँ पे काम फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट किचन का, मेरी शॉप से आते ही ना फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि फटाफट से किचन का काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। और बाऊजी को नानी मम्मा लेके देके गए हैं गिफ्ट, उसने ट्राई लिया है अपनी मर्जी का और बस उसी पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अपने मैं सारे सूट जो है वो प्रेस कर रही थी, आप सबको लेमन सूट बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं क्यों मेरी मम्मा को मैंने पर्सनली पूछा भी कि मम्मा आप हमेशा लेमन सूट क्यों प्रेफर करते हो मुझे करवा चौथ पे देना, और भाभी को भी मम्मा ने लेमन ही दिया, कहते पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी रिवील किया कि मेरे व्रत पे भी वो तो बेचारी एक ही सूट डालती थी, है ना, पता है हमारी मम्मी कि आजकल तो करवा चौथ पे बहुत फैशन हो गए। और वैसे ये फैशन ना परवरिश की देन है, जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारी परवरिश कर करके हमें बिगाड़ते हैं ना, हम वैसे ही चोचले आगे ढूंढते हैं, और मेरी ये मतलब ये चोचले तो मेरी मम्मी की वजह से ही हैं। और इस बार मैंने ना अपना लहंगा जो है वो खुद स्टिच करवाया है, देखते हैं किस तरह से आउटफिट आते हैं, और मानेंगे देखने को तो प्यारा लग रहा है। ये मेरा लहंगा है जो मैंने भाभी से खुद स्टिच कराया है, सारा मटेरियल लेके, पता नहीं कैसा होगा। मैंने सही बोलिया, लाइन नहीं चेंज करनी, बस उसका हिंदी में मीनिंग बोलना है, आई प्रिया यू मोर देन यू। ओके मीनिंग बताओ हिंदी में। मैं आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये जी मेरी ड्रेसेस जो हैं वो मैंने प्रेस कर ली हैं, और ये एक रेड के साथ कॉम्बो में है और एक लेमन के साथ, पता नहीं मैं सुबह नहा धो के कौन सा डालूंगी। और ये सिंगर आ गए हैं, और ये अगर आपको याद हो तो ये मेरे पिछले व्रत का लहंगा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये डालना तो नहीं है, वैसे मैंने निकाला था इसमें से नाला इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, वीडियो में घुस के कॉफ़ी पीनी, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, भूख है, ठहर के पीनी, ठहर के पीनी कि हुने पीनी, आई लव यू मॉम, ओके मैं तो हुन पीनी, मैनू फील हो रहा है। हेलो वेलकम, हरित्वी म्यूजिक सीख रही है तो वो म्यूजिक बजा रही है। तो सुबह मुझे उठ के ना सुहाग की निशानियां मैं सुबह डाल लेती हूँ नहा धो के, क्योंकि मेरी मम्मा इसी तरह से करते थे और मेरे को भी इसी तरह से करवाते हैं कि सुबह उठ के गहने नए डालने हैं, अच्छे से डालने हैं, तो वही अब मैं कर लूँगी। और सूट वगैरह रख लिया है, सुबह हम वो डालेंगे। चलिए अब मैं पीऊँगी कॉफ़ी, क्योंकि ना आज भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, बीपी बड़ा लो हो गया है, तो मैं सॉरी यार मैं तो शूट करती नहीं हूँ, फ़ोन ऐसी गोली नीचे डिग गई, भरावा कितने गई कितने गई। और
मुझे लेनी है एक क्रॉसिन, क्योंकि थकावट की वजह से मेरे को फीवर भी हो गया है और जल्दी सो जाना है, हरित्वी को मनाना है। बाकी तैयारियां तो आराम से सुबह करती रहूंगी, ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं निकालना है। मेन तो खाने के लिए ग्रेवी वगैरह रेडी करनी थी, वो मैंने कर ली है। नाश्ते में सुबह हरित्वी को अप्पे बनाने हैं तो वो बैटर बना है, वो ऐसा सच कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉप पर जाऊँगी, आधा दिन शॉप खोलती हूँ हमेशा। और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप खोलोगे, तो हाँ जी मैं खोलूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल दूँगी कितने बजे से कितने तक ओपन होगी। तो चलिए भगवान हैप्पी करवा चौथ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। सारे काम फिनिश कर करते ना मेरे को नियर अबाउट 9:30-9:35 हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने आके अपने शैतान को फ़ोन किया, आप लोग नाम बताइएगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको पता है इनके बारे में, ये मेरी ज़िंदगी का शैतान है। यूट्यूब से मुझे जो भी मिला, आप लोग मिले, बहुत प्यार मिला, लेकिन मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली। ये शुरू से ही मेरे साथ है, हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिले हैं। पहले तो हम डेली बात करते थे इसी तरह, ढेरों गप्पे उद फलाद चुगलियाँ करते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि क्योंकि मुझे डॉक्टर ने फ़ोन कॉल अवॉइड कर दिए हैं कि आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, स्पेशली कॉल तो मुझे करनी नहीं है। और आप मानेंगे मेरे फ़ोन में हम रिचार्ज नहीं करवाते, मौका ही नहीं मेरे हस्बैंड देते कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। और सिर्फ वाईफाई पे थोड़ी बहुत बात करती हूँ मम्मा से, बड़े भैया से या कल्पना से भी अब 10-15 दिन बाद ही बात हुई होगी। लेकिन हम जब भी बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं ना कि जैसे पता नहीं पुराने जन्म के साथी हैं। तो सबको करवा चौथ की मुबारकें, और सबसे पहले करवा चौथ की मुबारकें शुरू की थी मैंने अपने शैतान से, कल्पना से। शी सच अ क्यूटी पाई, मेरी स्वीट हार्ट है, मुझे मोटिवेट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और बस फिर मैंने करवा चौथ की मुबारकें कल्पना के साथ शेयर किया सब कुछ। कल्पना बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट कर रही थी कि कोई बात नहीं, थकावट में उसे बता रही थी कि मैं यार थक बहुत गई हूँ और अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए और साथ में क्रोसिन लूँगी। लेकिन उसने मुझे इतना मोटिवेट किया ना कि कोई बात नहीं मीनू, थक गई हो तो बस एक दिन और रह गया, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपकी मेहनत आपको सब कुछ दे रही है। तो उसकी मोटिवेशन से ना बहुत अच्छा सा मिलता है। ऐसा होता है ना कि दोस्त होने ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने मम्मी को भी छोटी सी कॉल की, क्योंकि हम दोनों मम्मी को मिस कर रहे थे, मैं और हरित्वी, और ज़्यादा तो हरित्वी को अपनी नानी से बात करनी थी। गुड मॉर्निंग, और सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरित्वी बैल एंड मम्मा रॉक्स। करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ मंगलमय हो, अच्छे से सफल हो, आप खुश रहें, बहुत ही सुंदर लगें, आपके हस्बैंड्स की उम्र अच्छी हो, आपकी जोड़ी सलामत रहे। हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से आप सबको। बताइएगा आपने अपना करवा चौथ किस तरह से शुरू किया। मैं इस तरह से शुरू कर रही हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई, बस सरगी में कुछ हल्का, फिर मैं बनाने लग गई थी अपने लिए सरगी। सरगी ना टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में ही मुझे लगता है भारी भरकम दिखाते हैं, कोई ऐसा होगा नहीं जो भारी भरकम सरगी खाता होगा, आई डोंट नो। और टीवी में तो ऐसा दिखाते हैं, दे तेरे पूरी बनाई है, इतना खाना वो 3-4 बजे उठ के बना कैसे लेती है, मैं ये भी सोचती हूँ। तो आलू की सब्ज़ी थी रात की, मैंने उसे थोड़ा सा गर्म किया और साथ में एक चपाती जो है वो अपनी लगा ली, साथ में थोड़ी सी चाय बना ली, बस यही होगा। और मुझे अपने आप पे आज बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने अपने हाथ से नारियल फर्स्ट टाइम में ही फोड़ा, पहली बार मैंने नारियल फोड़ा और वो फर्स्ट ट्रायल में ही फट गया। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि मीनू तो बड़ी स्ट्रांग बन गई है, क्योंकि मेरी डाइटिशियन ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने उनसे पहले परमिशन ली कि क्या मैं व्रत रख सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको क्या खाना है। तो बस आलू की सब्जी है, एक ओट्स की चपाती है, और उन्होंने बोला कि आपको नारियल की इतनी बड़ी गिरी ज़रूर खानी है, ज़रूर खानी है, देखते हैं कैसा रहता है। पहले मैंने कभी ऐसे सरगी में नहीं खाई, मैं जस्ट एक चपाती आलू की सब्जी के साथ खाती थी। शिकार मैंने सिंदूर ना इधर उधर डाली मेरी सरगी फिनिश, मतलब मैंने सरगी खा ली है अभी, और टाइम हुआ है जस्ट 4:30 AM, 4:30 हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सो लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी और थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत होच पोच रहा, इतनी लेग्स पेन कर रही थी ना रात को, नींद ही नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। और मैं बार बार ना वो फ़ोन भी देख रही थी कि कितना टाइम हो गया, उठ जाती हूँ, चलो ये अपना बाबा जी का पाठ वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ सो लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर सो मच लव। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, करवा चौथ के पिक्चर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, बाय।